हाय नमस्ते गुड मॉर्निंग। आज हमारी जो सफर की शुरुआत हो रही है वो हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट शिमला के नारकंडा विलेज से हो रही है। हम लोगों का जो प्लान है वो है डिस्ट्रिक्ट किन्नौर को एक्सप्लोर करने के लिए। डिस्ट्रिक्ट किन्नौर हम सभी जानते हैं बहुत ही खूबसूरत डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल का, बहुत ही खूबसूरत प्लेसेस हैं वहाँ पे, ब्यूटीफुल प्लेसेस हैं। तो जो हम लोगों का जो प्लान है, हमने कुछ प्लेसेस सेलेक्ट किए हैं जैसे सांगला, चितकुल, सांगला वैली, जिसमें सांगला वैली में चितकुल आ जाता है, रिकांगपियो और अपना काल्पा। और समय रहेगा तो हम लोग डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति का जो स्पीति रीजन है, स्पीति में काजा, उस एरिया को हम लोगों को एक्सप्लोर करने का मन है, पर वो समय रहता है तब। तो और हम लोग यहाँ पे नारकंडा पिछली रात पहुँचे थे। बजट ट्रैवलर्स के लिए क्या वर्कराउंड रहेगा किन्नौर विजिट करने के लिए, तो वो मैं आपको ज़रूर आगे चल के बताऊँगा मैं। और जो नारकंडा में जो होटल्स या होमस्टेज या गेस्ट हाउसेज हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा, और उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं ऐड कर दूँगा। तो फिलहाल आपको नारकंडा जो विलेज है उसका मैं आपको व्यू दिखा देता हूँ। अभी पहले धुंध थी, मानसून का टाइम चला है और धुंध थी, अभी धुंध छट गई है। तो ये नारकंडा है, इधर ही छोटी सी मार्केट भी, और ये सारे होटल्स और होमस्टेस यहाँ बने हुए हैं। तो अब हम लोग अपना चाय वगैरह लेते हैं और आगे चलते हैं, और आगे फिर आपको और इन्फॉर्मेशन मैं बताता हूँ। तो चलते हैं फ्रेंड्स। व्यू दिखाता हूं मैं, ये देखिए व्यू, बादल नीचे आ चुके हैं और धीरे धीरे आसपास बिखराव हो रहा है बादल का, या ऊपर की तरफ जा रहे हैं। ब्यूटीफुल, और झिंगूर की आवाज़ आप अगर सुन सकते हैं तो वो एक अलग ही ऐड ऑन है। चलते हैं और आगे मिलते हैं। फ्रेंड्स, हम लोग नारकंडा से लगभग 10-15 किलोमीटर नीचे उतरने के बाद एक हमें ब्रेकफास्ट करने के लिए एक पॉइंट मिला, अमर भोजनालय। बहुत ज़बरदस्त, सफाई भी बहुत ज़बरदस्त थी, और आलू के जो परोंठे थे, हमने आलू परोंठा ऑर्डर किया, वो भी काफ़ी बड़े साइज में था। तो आलू परोंठा, दही, बटर, नो डाउट, ऑसम। और उसके बाद ब्रेकफास्ट करने के बाद आपको मैं इस एरिया का मैं बता देता हूँ। ये जो एरिया हम यहाँ से है नारकंडा से, ये रहा अमर भोजनालय, टॉयलेट्स भी हैं, और आपको ये दिखा देता हूँ, यहाँ पार्किंग, और ये अमर भोजनालय का जो एरिया। और यहाँ भी बैठने की जगह है बाहर की तरफ, अगर आप अंदर नहीं बैठना चाहते हैं तो आप उनसे रिक्वेस्ट करके आप बाहर भी आप बैठ सकते हैं।
तो फिलहाल हम लोग अभी हम लोग पहुँचेंगे रामपुर, रामपुर से आगे शायद ज्योड़ी, और फिर हम लोग किन्नौर अपना डिस्ट्रिक्ट स्टार्ट हो जाएगा, या ज्योड़ी से हो जाता है या शायद उससे पहले से ही आपका किन्नौर डिस्ट्रिक्ट स्टार्ट हो जाता है, तो वो मुझे मालूम नहीं, वो हमें रास्ते में हम लोग चेक करेंगे और देखते हैं आगे आपको और कुछ व्यूज़ मिलते हैं तो आप लोगों को वो मैं बताता हूँ। लगभग आप यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है और मैं आपको सतलज नदी का नज़ारा दिखाता हूँ। ये रहा अपना सतलज नदी, जो कहते हैं मानसरोवर जो लेक है तिब्बत, वहाँ से होके अपने हिमाचल में एंटर करती है और किन्नौर होते हुए शिमला डिस्ट्रिक्ट होते हुए आगे निकल जाती है। तो ये रही सतलज नदी और हम लोग रामपुर में नहीं रुकेंगे, हम लोग अब आगे जर्नी कंटिन्यू करते हैं और आगे मिलते हैं। फ्रेंड्स हम लोग चलते चलते ऐसे पॉइंट पे पहुंचे जहां से जो किन्नौर है लगभग 5 किलोमीटर दूर है। हम लोगों ने रामपुर भी क्रॉस कर लिया, ज्योड़ी क्रॉस कर ली और झाकड़ी भी क्रॉस कर ली। तो रामपुर, झाकड़ी और ज्योड़ी, अब यहां से किन्नौर का जो डिस्ट्रिक्ट है वो लगभग 5 किलोमीटर बाद से स्टार्ट हो जाता है। तो आपको पहले मैं व्यू दिखा देता हूँ, ये देखिए व्यू नीचे आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखिए सतलज नदी और ये देखिए वाटरफॉल, 1, 2, 3 वाटरफॉल हैं, 1, 2 और 3, ब्यूटीफुल। और आपको ये भी बता देता हूँ रास्ते का हाल अभी ठीक नहीं है, शायद मैं नारकंडा में भी आपको अपडेट कर रहा था। और जो अमर भोजनालय है जो नारकंडा से लगभग 17 किलोमीटर दूर है नीचे की तरफ है, तो वहाँ भी शायद मैं यही बता रहा था कि जो रास्ते के बारे में अपडेट दूंगा, तो रास्ता अभी तक ठीक नहीं है, बारिशों में बहुत ज़्यादा है नुकसान हो रहा है और रास्ता अभी बन रहा है, जो शायद 1-2 महीने में ये बन भी जाए। तो चलते हैं और आपको आगे मिलते हैं। फ्रेंड्स हम लोग चलते हुए ऐसे पॉइंट पे आ गए जहाँ से अब डिस्ट्रिक्ट किन्नौर का बॉर्डर स्टार्ट होता है। आपको मैं जो गेट दिखा देता हूँ, ये देखिए गेट लिखा हुआ है, देवभूमि किन्नौर में जिला प्रशासन आपका स्वागत करता है, किन्नौर द्वार। और एक चीज और बता देता हूँ मैं आपको, ये देखिए सतलज, अब जो वहां चौड़ी थी ना सतलज, अब यहाँ पे थोड़ी संकरी हो गई है, तो ये सतलज नदी यहाँ से निकलती हुई, हम सतलज नदी के साथ साथ ही चल रहे हैं। और आपको बता देते हैं, आप बताते ही आ रहा हूँ मैं, कि रास्ते का भी हाल ठीक नहीं है, कहीं कहीं पे काम चल रहा है तो ये टाइम लगेगा, 1-2 महीने लग सकते हैं, पर आप जब तक सितंबर अक्टूबर उसका ऑनवर्ड्स आते हैं तो ये रास्ता आपको थोड़ा ठीक मिलेगा, पर अभी फ़िलहाल हाल ठीक नहीं है। तो अब हम लोग आगे चलते हैं। और हाँ आपको चलते चलते बता देता हूँ, जो सांगला था हमने साइन बोर्ड देखा था, शायद ज्योरी या ज्योरी से काफ़ी आगे 71 किलोमीटर्स लिखा था, तो लगभग अब रास्ता ठीक रहा तो जल्दी पहुंच जाएंगे, नहीं तो टाइम लगेगा। और लंच भी अब हम लोग रास्ते में देखेंगे कोई डंकी जगह हो तो हम लोग वहीं लंच करेंगे। फ्रेंड्स हम लोग ऐसे पॉइंट पे पहुंचे हैं किन्नौर के, जो बहुत एक फेमस टनल है, मैं आपको बता देता हूँ, ये देखिए जो आपने बहुत से यूट्यूब चैनल्स में देखा होगा या ट्रैवल चैनल्स में या टीवी पर, तो ये पत्थर काट के जो एक टनल बनाई है इस रास्ते के लिए, ये एक ज़बरदस्त एक इंजीनियरिंग का एक क्या बोलते हैं एग्जाम्पल है, तो आप देख सकते हैं। अब हम इसको क्रॉस करके आगे की तरफ निकलेंगे, तो अब हम लोग चलते हैं। फ्रेंड्स हम लोग चलते हुए ऐसे पॉइंट पे पहुंचे जहां से डाइवर्जन है सांगला के लिए, सांगला चितकुल के एक तरफ और दूसरा कल्पा, रिकांगपिया और स्पीति के लिए, तो इस जगह को बोलते हैं करचम। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये देखिए साइन बोर्ड, सांगला 18 किलोमीटर, चितकुल 42, रिकांगपियो और कल्पा 32, और यही जो राइट हैंड साइड से हम चले जाएंगे सांगला और चितकुल की तरफ, और कल्पा रिकांगपियो लेफ्ट और आगे स्पीति। और जब हम लोग भावानगर हम लोगों ने क्रॉस किया तो फिर हमें रास्ता ठीक मिल गया, फ्यूल स्टेशन भावानगर से कोई 5-6 किलोमीटर आगे निकल गया तो शायद हमें एक फ्यूल स्टेशन मिला, हमने रिफिल करा लिया। आगे पेट्रोल पम्प टपरी में है, टपरी के बाद रिकांगपियो और फिर पूमे और फिर लास्ट में काजा में। तो लंच नहीं किया, देखते हैं और हम लोग आगे कहीं लंच करते हैं, कहीं जगह
कोई अच्छा ढाबा या रेस्टोरेंट मिलता है तो हम लोग लंच करेंगे और सांगला के लिए जर्नी कंटिन्यू करेंगे। तो चलते हैं फ्रेंड्स, आपको दिखा देता हूँ। ये रहा हम लोग इस साइड से आए और ये अपना करछम का एरिया, तो चलते हैं और आपको आगे मिलते हैं। फ्रेंड्स, हम लोग ऐसे पॉइंट पे पहुँचे हैं जहाँ से सांगला लगभग 15 किलोमीटर दूर है। सांगला जो है उसके आगे बस्तेरी, रक्षम, बस्तेरी और लास्ट में चितकुल गांव, जो इंडिया का, अपने भारत का आखिरी गांव है। उसके बाद तिब्बत बॉर्डर लग जाता है और चितकुल के आसपास ही बसपा रिवर निकलती है और ये आगे जाके अपने सतलज नदी में मिल जाती है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रही बसपा रिवर और हम आगे की तरफ जाएंगे। आप रास्ते देख सकते हैं कितने खतरनाक हैं, खाई और रास्ता देखिए। पीडब्ल्यूडी ने जितना ज़बरदस्त काम किया हुआ है इस एरिया में, ये बहुत पुराना रास्ता है ये भी। और बाकी नज़ारा आप देखिए। प्रकाश एजेंसी, हमने जो इंटरनेट पे देखा था गूगल पे सर्च करके, तो हम लोगों ने यहाँ विजिट किया और हमने रूम देखा। रूम बहुत ही अच्छे हैं, काफ़ी प्रॉपर्टीज़ हैं सांगला में, पर एक हमने एक और प्रॉपर्टी देखी, उसके बारे में आपको मैं बाद में विस्तार से बताऊंगा। पर जो प्रकाश एजेंसी है वो भी बहुत ही अच्छा होटल है और जो रूम है काफ़ी अच्छे अच्छे बड़े साइज़ का रूम है और उसमें 3 बेड्स लगे हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, हर आपके 2 बेड का टैरिफ अलग होगा, 3 बेड्स का टैरिफ अलग होगा, पर मैं आपको बताता हूँ। लगेज हम रख चुके हैं,
तो मैं आपको बता देता हूँ, ये देखिए रूम, एक टू बेड यहाँ पे, एक बेड यहाँ पे, काफ़ी एम्पल स्पेस है बैठने के लिए। आप देखिए चेयर्स लगी हैं, कुछ सोफा टाइप है, और एक बालकनी मैं आपको दिखाता हूँ। मैं ये रहा बालकनी व्यू, और ये एप्पल ऑर्चर्ड्स, यहाँ भी बैठने के लिए सारे एप्पल ऑर्चर्ड्स है। ये भी एक प्रकाश एजेंसी का ही होटल है, ये पुराना वाला है, तो यहाँ पे कोई बालकनी व्यू नहीं है। तो कह रहे हैं कि वहाँ पे जो रूम्स हैं वो 2000 रुपीज़ ऑनवर्ड स्टार्ट होते हैं, और जो प्रकाश एजेंसी है जो हम इसके ऑपोजिट साइड है, यहाँ भी 2000 से अबव शुरू होते हैं। और अभी जैसे ऑफ सीज़न है तो एक्चुअल में ये जो रूम है 3500 का है, 3000 या 2500 का ही आपको ये रूम आपको मिल जाएगा। और रूम का टूर तो करा दिया, अब मैं आपको बाथरूम दिखा दूँ। वेस्टर्न टॉयलेट है, गीजर है, काफ़ी बड़ा बाथरूम है। तो अलमीराज वार्डरोब, तो काफ़ी कुछ है यहाँ पे। बाकी एक सांगला विलेज की एक प्यारी सी एक फोटो लगी हुई है, पिक्चर लगी है, पोर्ट्रेट है। और एक चीज़ मिस कर रहा हूँ, वो अभी भी मैं देख लेता हूँ, कैटल नहीं है हॉट वाटर की। चलिए पूछ लेते हैं, अगर होगी तो हम लोगों की काफ़ी वो हेल्प हो जाएगा। वो चार्जिंग पॉइंट्स भी देखने पड़ेंगे, एक ही वहाँ पे दिख रहा है, और पूछता हूँ मैं कि यहाँ पे अगर कैटल वगैरह कैसे हम लगा सकते हैं। तो चलते हैं और फ्रेश होते हैं, और उसके बाद हम लोग आपको आगे के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो देंगे और आगे का प्लान बताएंगे, ठीक है? तो थोड़ी देर बाद आपसे मिलते हैं। फ्रेंड्स, हम लोग फ्रेश हो गए, अब मैं आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ। पहली इन्फॉर्मेशन नारकंडा से, पिछली रात हम वहीं रुके थे, तो हम लोग रुके मैं आपको बता देता हूँ। स्नो ट्रेल बेड एंड ब्रेकफास्ट था, बजट में था तो डेफिनेटली 1400 समथिंग हमें ये पड़ा रूम, और घर जैसा खाना था इसलिए मैंने सेलेक्ट किया। नारकंडा में आप काफ़ी स्टेइंग ऑप्शन हैं, पहले और प्रीमियम होटल्स हैं, जैसे पीयूष रेसिडेंसी, ये न्यूली बिल्ट प्रॉपर्टी है, 3500 समथिंग से इसकी टैरिफ स्टार्ट है। फिर होटल महामाया, हिमालय इन, और एक होटल माउंट व्यू। माउंट व्यू से बालकनी का व्यू बहुत अच्छा है, उनके भी रूम्स अच्छे हैं। तो ये कुछ होटल्स हैं, एक आध होम स्टे देखने को मिला। अब हम लोग अपनी गाड़ी लेके आए थे, तो इसलिए हम लोगों ने नारकंडा में हम लोगों ने ये ऑप्शन सेलेक्ट किए, ना कि नारकंडा हम लोग रुकेंगे, शिमला नहीं, क्योंकि शिमला थोड़ा क्राउडेड भी है, ट्रैफिक की प्रॉब्लम्स भी हैं। और नारकंडा से हमने जर्नी कंटिन्यू की, और रामपुर बुशहर होते हुए, झाखड़ी ज्यूरी होते हुए हम लोग पहुँच गए रक्षम, और करछम, सॉरी नॉट रक्षम, करछम। तो करछम से डाइवर्शन पॉइंट है रिकांगपियो और कालपा के लिए, और दूसरा रास्ता चला जाता है सांगला चितकुल के लिए, तो करछम इज अ मेन पॉइंट। अब मैं बता देता हूँ जो बजट ट्रैवलर्स हैं उनके लिए भी अच्छे ऑप्शन हैं। डायरेक्ट बसेज हैं दिल्ली से, HRTC जो गवर्नमेंट बस सर्विस है उनकी ऑर्डनरी बस चलती है, और शायद एक आठ डीलक्स है, रिकांगपियो के लिए डायरेक्ट बस चलती हैं, तो वो ISBT कश्मीर से निकलती हैं, और रिकांगपियो आप उससे पहुंच सकते हैं, और चंडीगढ़ से भी चलती हैं रिकांगपियो के लिए बसेस भी, तो वो भी HRTC की तरफ से वो सर्विसेज हैं। तो ये ऑप्शन है बजट ट्रैवलर्स के लिए, पर वो हैक्टिक हो जाएगा, तो उसको आप ब्रेक करना चाहते हैं तो उसका एक तरीका ये है कि आप शिमला पहुंचिए, शिमला में आप नाइट हॉल्ट कीजिए, आराम कीजिए, और अगले दिन ISBT शिमला से जो टूटीकंडी में, वहाँ से फिर बहुत सी बसेज हैं रिकांगपियो के लिए। रिकांगपियो के लिए प्राइवेट बस सर्विस भी है, प्राइवेट बस सर्विस भी है, और गवर्नमेंट की बस सर्विस भी है। तो रिकांगपियो मैं क्यों बोल रहा हूँ, रिकांगपियो आप करछम में आप उतरेंगे तो देखिए करछम से कोई ऐसी ऑप्शंस तो नहीं है, आपको ब्रिज क्रॉस करके जाना पड़ेगा, टैक्सी अवेलेबल होगी नहीं होगी, और जो बसेस भी आप वेट करेंगे वो बसेस भी आपकी रिकांगपियो से आती हैं। तो आप रिकांगपियो पहुंच जाएंगे, बहुत सुंदर जगह है, आप वहाँ स्टे करिए, आसपास एक्सप्लोर करिए, और आप अगले दिन टैक्सी लेके, या जो प्राइवेट और गवर्नमेंट बसेस भी चलती हैं चितकुल के लिए वाया सांगला तो आएगा ही आएगा, चितकुल जाते हैं तो आप उससे भी आप वो एरिया एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो आप रिकांगपियो पहुंच गए, वहाँ से आप कालपा भी विजिट कर सकते हैं, और वहाँ एरिया एक्सप्लोर करके आप नेक्स्ट डे आप सांगला चितकुल के लिए निकल सकते हैं। तो टैक्सी भी ले सकते हैं, गवर्नमेंट और प्राइवेट बसेस सर्विस भी हैं, तो ये एक अच्छी ऑप्शन है। और सांगला में मैं आपको बता देता हूँ,
प्रीमियम होटल्स भी और बजट होटल्स भी मेरे को देखने को मिले। तो हम तो प्रकाश एजेंसी में फिलहाल तो ऑफ सीजन है, मानसून का सीजन है, तो हमें तो ये बजट के अंदर हमें मिल गया ये यहाँ पे रूम। तो प्रकाश एजेंसी के अलावा मेरे को एक और प्रॉपर्टी देखी, वो है INERJ, ये मिस्टर सिकंदर सिंह नेगी चलाते हैं। तो उन्होंने ये बताया, उनके भी मैंने रूम्स देखे, बहुत अच्छे रूम्स थे और एप्पल ऑर्चर्ड था उनका और रूफ टॉप भी है और बोनफायर की फैसिलिटी भी है, तो वो भी अच्छा होटल था। तो एक दो होटल मेरे को प्रीमियम दिखे, बाकी बजट होटल्स भी देखने को मिले और होम स्टेज भी देखने को मिले। और कहते हैं कि बस तेरी रक्षम और चितकुल में भी होटल्स हैं, तो अभी हम लोग तो विजिट नहीं किया, वो हम लोगों का अगले दिन का प्लान है। तो ये सब कुछ इन्फॉर्मेशन है जो अभी मेरे को पता चली और मैं शेयर कर दूंगा। जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं नारकंडा में जो होटल्स के हैं और सांगला में जो होटल्स जो हमें जो मिले हैं अभी, तो उसके मैं सारा कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। और साथ ही साथ में HRTC बस की सर्विस की जो है, जो उनका वेबसाइट है, उसका भी मैं लिंक शेयर कर दूंगा वहाँ पे। तो फ्रेंड्स चलते हैं, अगले दिन आपको मिलते हैं दूसरे एपिसोड में। तो आज हमारा अपना डे वन का जो ब्लॉग है वो हम यहीं एंड करते हैं। तो फ्रेंड्स प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। बाय फ्रेंड्स। Thank you.